film RRR, this is Natu Natu. 2023 के 95 एकेडमी अवार्ड्स से ऑस्कर्स हो चुके हैं बिना किसी लफड़े के। और भाई इस बार इंडिया के लिए ऑस्कर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि दो नॉमिनीज थे और दोनों के दोनों जीते, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 ऑस्कर अवार्ड्स ऑफ 2023। तो भाई नंबर 1 बेस्ट पिक्चर्स एंड गोज टू Everything Everywhere All at Once। इस बार के ऑस्कर में इस मूवी ने आधे ऑस्कर तो मतलब यही ले गई समझ लो। सेकेंड बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल एन अवार्ड गोज टू द वेल मूवी से ब्रेंडन फ्रेजर, जिसको डायरेक्ट किया है डेरेन एनफ्रोक्सकाई ने, जिसकी IMDb पे 7.8/10 में से रेटिंग है। और गाइस ब्रेंडन फ्रेजर अवार्ड को एकदम डिजर्व करते हैं। एंड थर्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स एंड गोज टू एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस से के फू क्वेन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेनियल क्वेन ने, जो एक साईफाई एडवेंचर मूवी है और इसकी IMDb पे रेटिंग 7.9/10 है। एंड फोर्थ बेस्ट एक्टर्स इन लीडिंग रोल एंड गोज टू एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस से मिशेल लियो। सच में यार गाइस इनका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा था मूवी में, तो ये तो बहुत डिजर्व करते ही है। एंड फिफ्थ पे बेस्ट एक्टर्स इन सपोर्टिंग रोल एंड गोज टू एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है जेमी ली कर्टिस। भाई ये मूवी कितने ऑस्कर्स ले जाएगी। एंड सिक्स्थ पे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म एंड अवार्ड गोज टू पिनोक्यो, जिसे डायरेक्ट किया है रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने, और यह एक फैमिली फैंटेसी मूवी है। इसे मूवी इतनी खास मुझे लगी नहीं, बस इसका एनिमेशन बहुत ही कमाल था। एंड सेवेंथ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड अवार्ड गोज टू जेम्स फ्रेंड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट्स मूवी से, जिसे डायरेक्ट किया है एडवर्ड बर्गर ने, जो नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। वॉर ड्रामा मूवी है जिसके IMDb रेटिंग 8/10 है। एंड एट्थ बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड अवार्ड गोज टू रूथ कार्टर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। इस बार मार्वल को एक ही अवार्ड मिला है वकांडा फॉरएवर से बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का। एंड नाइन्थ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एंड अवार्ड गोज टू द एलिफेंट विस्परर्स से कृतिका गोस्वामी एंड गुनीत मोंगा। और गाइज ये इंडिया की पहली डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जिसे ऑस्कर्स मिला है गाइज, यह बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए। एंड लास्ट एंड द लिस्ट 10 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड अवार्ड गोज टू नाटू नाटू फ्रॉम RRR। और गाइज ये भी फर्स्ट है कि किसी इंडियन सॉन्ग को ऑस्कर्स मिला है, और ये तो गाइज हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, दो ऑस्कर्स। और गाइज यह सॉन्ग को म्यूजिक दिया है MM करवानी ने, और गाइज के लिरिक्स चंद्र बोस ने लिखे हैं। तो गाइज ये थे ऑस्कर्स ऑफ 2023। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।